नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज कुंभ पर। विशेष हमारे इस खास प्रस्तुति कुंभ दर्शन में मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। त्रिवेणी के तट पर लगे आस्था के कुंभ में साधना के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अखाड़ों में धुनी रमाकर बैठे साधु संत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों में योग हठ योग की विविध साधनाओं के रूप भी देखने को मिल रहे हैं। आम गृहस्थ भक्त सहज भक्ति के साथ विविध साधनाओं में लगे हुए हैं। कुंभ क्षेत्र में आए गृहस्थ शिव भक्तों में विविध रूपों के शिवलिंग निर्माण की साधना का रुझान सबसे अधिक दिख रहा है। कहीं शिव भक्त 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं 121 किलो के पारद शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। हर तरफ शिवलिंग के निर्माण से पूरा कुंभ क्षेत्र शिवमय हो गया है। कुंभ क्षेत्र प्रतीक है भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय का। प्रयागराज में संगम किनारे लगे इस कुंभ में भक्ति और साधना के भी कई रूप दिख रहे हैं। जो संत जिस परंपरा से जुड़ा है, उसके शिविर में उसी संत परंपरा से जुड़ी साधनाओं के रूप दिख रहे हैं। शैव संप्रदाय के अनुयायी सन्यासी अखाड़ों में अगर नागा सन्यासी के हठ योग के विविध रूप दिख रहे हैं, तो विष्णु उपासकों में हरि कथा की सरिता से भक्त सराबोर हैं। कुंभ में गृहस्थ संतों और आम गृहस्थ भक्तों के शिविर में शिव उपासक भांति भांति के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, जिन्हें भक्त दद्दा जी भी कहकर बुलाते हैं, उनके यहाँ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें देश विदेश से आए गृहस्थ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती है आपकी, छोटी बड़ी चाहे जो भी हो, चाहे छोटी से छोटी हम औरतों की मनोकामना होती है, घर परिवार पति बच्चे पढ़ाई गृहस्थी को लेके, तो वो भी हमारी मनोकामना हमारे मन में रहती ही है कि भाई ये शिवलिंग निर्माण करते करते प्रभु मेरा एक काम कर देना। इच्छाएं लेके ही आते हम लोग, निस्वार्थ भाव भी कभी होता है और कभी उसमें स्वार्थ मतलब इच्छाएँ भी लेके हम लोग आते हैं, तो दोनों चीज़ें और मन को शांति मिलती है, ये बात तो पक्की है निर्माण के साथ, और हमारी इच्छाएं पूरी होती है। उद्देश्य हमारे गुरुजी के जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का कार्य है, उसे जन कल्याण के लिए, राष्ट्रहित के लिए, विश्व हित के लिए प्रयोजन दद्दा करते हैं, उसमें हम सहभागी होते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं। बस हिंदुज़म को साथ देने के लिए, विश्व में हमारा धर्म भी बड़ा है, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। इस हिसाब से सबको संदेश मिले कि शिव प्रभु भी कोई थे। ये दद्दा जी ग्रुप का 1.25 करोड़ का था, वो तो पूर्ण हो गया, अभी ज़्यादा बना रहे, जितने बन सके बन जाएंगे। इस शिविर में दाखिल होते ही आपको यहाँ मौजूद सभी लोगों के हाथ काली मिट्टी से सने नजर आएंगे। सबकी जुबान पर यहाँ गंगा मैया व भोले शंकर का जय घोष है और मन में अधिक से अधिक पार्थिव शिवलिंग निर्माण का संकल्प। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और शिव कल्याण की भावना से शुरू किए गए इस संकल्प में रोज काली मिट्टी के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर उन्हें उस पतित पावनी गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, जो खुद प्रदूषण के बोझ तले दबी है। बड़ी बात यह है कि जिस काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, वह शोध और जांच में पूरी तरह से खरा पाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिट्टी से गंगा के प्रदूषित जल को साफ करने में भी मदद मिलेगी। इस तरह इससे मां गंगा को प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। धर्म के साथ गंगा को बचाने का यह सामाजिक सरोकार का प्रयास लगातार जोर पकड़ रहा है और गंगा के इस भागीरथ के प्रयास में रोज हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में, भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कहे गए हैं और उन अनुष्ठानों में बहुत से अनुष्ठान
ऐसे हैं जो चार भागों में विभाजित किए गए हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए और संन्यास आश्रम के लिए। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान हैं उसमें ये चार प्रकार के जो अनुष्ठान हैं ये बहुत कठिन होते हैं और इन कठिनता को करने के लिए आम जनता वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। लेकिन उन अनुष्ठानों में सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो अनुष्ठान है बहुत सरल से सरलतम है। मिट्टी से महादेव बन जाना है, बेलपत्री से और फूल से अक्षत से उनका पूजन हो जाना है। तो ये इतनी सरल से सरलतम प्रक्रिया है अनुष्ठान की कि इसको आम जनता तक पहुँचाने में बड़ी सहूलियत है। वैसे हमने ये अनुभव किया आज के 1980 के पहले कि सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण की जो अनुष्ठान प्रक्रिया है ये प्रायः लुप्त सी हो गई थी। इसको हमने एक मिशन बनाया परम पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज के आदेश से और इसको प्रारंभ किया 1980 से। भारतवर्ष के छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े गांव तक और बड़े बड़े महानगरों तक इसको मिशन के रूप में प्रभावित किया। उसका परिणाम ये निकला कि इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो गया और इस अनुष्ठान का जो पहुंच है वो सरल से सरल ग्रामीण जन और आम आदमी तक पहुंच गया। कुंभ के एक अन्य शिविर में भगवान शंकर के प्रतीक शिवलिंग को पारद यानी पारे से भी बनाया जा रहा है। शिव पुराण में पारद शिवलिंग की महिमा का उल्लेख है जिसे पारा धातु का शोधन कर ठोस रूप देकर बनाया जाता है। प्रकांड विद्वान और शिव भक्त रावण पारद शिवलिंग की पूजा करता था जिसे रस लिंग की संज्ञा दी गई है। कुंभ क्षेत्र में 125 क्विंटल पारे का विशालकाय शिवलिंग भी भक्तों के लिए साधना का केंद्र बना हुआ है। ये 125 क्विंटल पारे का शिवलिंग है। पारा आम लोग थर्मामीटर में या ब्लड प्रेशर मशीन देखते हैं उस धातु से इसे बनाया गया है। कहा जाता है शिव पुराण में ये वर्णित है कि पारा शिववीर है, शिव बीज है। तो इसका शिवलिंग बनाना बहुत ही महत्व है, बहुत ही इनकी मान्यता है। तो अगर पारे को बद्ध किया जाए, सॉलिड रूप दिया जाए, उसका लिंग रूप दिया जाए तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर फलदायी होता है। इसे रसलिंग भी बोलते हैं। रावण ने रसलिंग बनाया था जिसकी वो पूजा किया करते थे। तो कुंभ में इस बार हमने 125 क्विंटल पारा शिवलिंग की स्थापना किया है और 3.25 लाख रुद्राक्ष से। महाकुंभ में भगवान शंकर के 2 अंश यहाँ पर मौजूद हैं, शिव बीज के रूप में पारा और भगवान शंकर के आंसू के रूप में रुद्राक्ष। कहा जाता है कि पारा शिवलिंग जागृत शिवलिंग होता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये सह प्राण हैं, इसलिए इनसे जो भी मांगेंगे वो मिलता है यहाँ पर। तो कुंभ नगरी में यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु इनका दर्शन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, उनसे उनका धर्म बढ़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन ध्यान बढ़ता है। एक गृहस्थ को जो भी चीज़ चाहिए वो पारा शिवलिंग से प्राप्त हो सकता है। इस तरह पूरा कुंभ क्षेत्र इस समय शिव साधकों की शिव भक्ति से शिवमय हो गया है। शिव भक्त अपने अपने तरह से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए विविध अनुष्ठान और साधना कर रहे हैं जिनसे उनका और मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही कुंभ का मूल लक्ष्य है, यही कुंभ का मूल दर्शन है। इस तरह पूरा कुंभ क्षेत्र इस समय शिव साधकों की शिव भक्ति से शिवमय हो गया है। शिव भक्त अपने अपने तरह से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए विविध अनुष्ठान और साधना कर रहे हैं जिनसे उनका और मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही कुंभ का मूल लक्ष्य है, यही कुंभ का मूल दर्शन है। प्रयागराज कुंभ को लेकर हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।